सारी बाणा ने राम राम और एक सच्चा भगत की कहानी बताऊंगा। पसंद आया सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक किसान थो, तो वो मतलब बोलो थो कति नहीं ज्ञान को धोन गण ज़्यादा, पर उसका मन में यह थी कि मैं भगवान न रटूं ताकि मैं अगला जन्म मेरा सुधर जा। हाँ, ये तो भक्ति में ध्यान थो कि मैं भगवान न रटूं, पर उसने नाम को कौन बेरो के नाम रटूं मैं भगवान को। तो वो एक साधु दौरे गयो, साधु दौरे जाके बोले महाराज, साधु महाराज मन भगवान को नाम बता, अब मैं नाम रटूंगा ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जा, मन नाम को कौन बेरो नाम बता मैं। तो साधु महाराज देख के न रहे, सोचिए तो कति बोलो आदमी है। बोले तो न्यू कर अंगमोचक नाम रट ले, अंगमोचक अंगमोचक न्यू करी जा। तो बोले मैं काम भी करी जाऊंगो, मेरी खेती बाड़ी भी करूँगो और भगवान ने भी रटूंगो, भगवान नाम तो हाँ मन में रखूँगो। तो वो उतरे अंगमोचक अंगमोचक कर तो चल पड़ो, चाल पड़ो घर ही आ गयो, घर ने काम करे, खेती बाड़ी को करे, घर को करे और लग तो अंगमोचक अंगमोचक। फिर उसको दिमाग ही सोच हो भूल पड़ जा थी, भूल गयो नाम ले, नाम ना भूल गयो, तो वो उसका नाम याद आ गयो घन घनमोचक घनमोचक अनमोचक भूल गयो, वो घनमोचक रटन लाग गयो। तो कई दिन हो गया उसने रटती, तो एक दिन बोलो पार्वती बैठे, तो बोलो बोलियो आप मुस्कराओ, उसने देख देख किन भगत ने देखे नाम या लिस्ट की अंतरात्मा तो मेरो ये नाम है, नाम तो ये मेरो रटा सर, पर उस नाम ने रटा सर जो कितना भी गोरी हो नाम मेरो अलग है, नाम रटा सर हाँ नाम भूल रहे से, इसने नाम को ना मेरो। तो पार्वती ने बुझ ली के महाराज मतलब मुस्कुराव क्यों है, क्यों हंसा है, कारण के है इसको। तो बोले बोले देख पार्वती, वो मेरे भगत से और वो मेरा नाम न रटा, मेरे सच्चो भगत से, पर उसने उसका नाम याद को नहीं, नाम ईसो रटा है जो कितने वेद में कितना भी को नहीं वो नाम है और उस नाम न रटना लाग रहे उस। तो फिर पार्वती बोली चल ईसो है सच्चो, हाँ पूजा मेरी करे, हम मन में उसका मैं बैठे हूँ विराजमान, सुन नाम और रटा से, बोल चल तो उसकी परीक्षा लेंगा। पार्वती बोली तो चल पड़े, बोले चल ना कि न पृथ्वी पर अपनो बेस बदल लियो, बेस बदल के अरे बोले पार्वती जा तू उसकन बूझ परीक्षा ले उसकी आगे वो किसको नाम रटा सा, और मैं एक खड्डो है थो किसान के खेत में, बोले मैं खड्डा में छुप जाऊँ। तो शिव जी बोलो तो खड्डा में छिप गए, पार्वती गई बोले बोली जाकी बोला तू किसको नाम रटा है, घनमोचक घनमोचक लाग रहे हो लगातार है, कौन सही हो घनमोचक। फिर किसान ने एक तो सोची बता दी, फिर सोची कदे मेरी भक्ति में बाधा पड़ जाए मान नाम बता दूँ तो इतना सियाणु कौन तो बोलो है थो। तो सोच साच के न उनको नहीं बताया, चुप रह गयो। फिर वो पार्वती के डटे वह तो उसके गल पड़ गई, आकर नाम बता बतायो तू किसको नाम रटे से, हाँ बुझ की जाएंगी। तो किसान ने गुस्सा आ गया, गुस्सा माँ की बोले तेरे बरतार को। पार्वती ने सोची यो तो बरतार को नाम ले तो इसका मतलब ये तो सच्चो भगत से, अंत तो में पिछाण ली बरतार को ना ले दियो। तो फिर बोली अच्छो तो नहीं बताओ मेरे बरतार सह किते, तुमको नाम रटा से है तो वो बरतार मेरे सह किते, मैं तो ध्यान दूँ। तो उसने और गणु गुस्सा आ गया, बोले होगो कि तई नौना गड्ढे में, तो उसने नाम तो लियो तो नहीं हो वही नौना गड्ढा में अर्थ हो वो गड्ढा है में। पार्वती ने सोची यो तो सही सच्चो भगत से, इसने तो बेरो पाटा से वो गड्ढा में छुप रहे है। तो उसने बुला लिया बोलो बोले आ जा यो तो तेरा ही भगत से, हाँ। तो फिर उसने आके न बोलो भी आ गयो और वह फिर अपना असली रूप में आ गया, असली रूप में आ गया तो भाई बोलो राजी हो गयो भगवान ने देखी, हाँ। तो उनने आशीर्वाद दियो और बोले बोल बोला के मांगा गो, आम तेरी भक्ति ते खुश होया। तो फिर बोलियो आपका दर्शन हो गया, इस तो फालतू और मन के मैं कौन चाहिए, हाँ मैं तो आपका दर्शन करना चाहूँ थो, जब आपको नाम रटूँ थो ताकि मेरा यो जन्म तो खेती बाड़ी में गुजर जाए, लेकिन अगलो तो मेरा सही हो जाए, मंद बुद्धि मेरी सही आ जाए, तो मेरे में इतनी बुद्धि होनी याददाश्त भी मेरी इसी है। तो जब कह कर भगवान को नाम दिल में होना चाहिए, जबान पर जी आओ ची मत आओ,
हाँ दिल में तो पक्के श्रद्धा होनी चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो सब सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, सारी बाणा ने राम राम।